Greetings to all, myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about green algae, Kara. Students, आज हम कारा के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. कारा डिवीजन क्लोरोफाइटा क्लास क्लोरोफाइसी. स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लोरोफाइसी में मेनली क्या करैक्टर होते हैं. अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो क्या लिखेंगे आप इसमें. मेनली क्लोरोफाइसी का मेन करैक्टर होता है कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है. ऑर्डर कारेल्स. कारेल्स में क्या होता है बच्चों, इसका थैलस जो होता है उधर होता है, शाकित होता है, राइजोइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. और जो इसका थैलस होता है वो इरेक्ट ब्रांच एक्सिस में और राइजोइड्स में डिवाइड होता है. मेन एक्सिस में नोड्स व इंटरनोड्स इसमें पाए जाते हैं. इसके अतिरिक्त मुख्य अक्ष की पर्व संधि में कुछ असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी इसमें परिवर्तित हो सकती हैं. इसी प्रकृति के कारण इसको इक्विसिटोइड हैबिट के नाम से जाना जाता है. इसकी क्या कहते हैं इसको बच्चों, इक्विसिटोइड हैबिट बोलते हैं इसकी. फैमिली कारेसी, इसमें क्या होता है फैमिली कारेसी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस ओगेमस टाइप का होता है. जननांग जो होते हैं इसके नेकेड आईज से दिखाई देते हैं, नग्न आँखों से दिखाई देते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है नर जननांग उसे ग्लोब्यूल बोलते हैं और स्त्री जननांग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को निक्यूल बोला जाता है. पादप शरीर की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन भी इसमें पाया जाता है. इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं. जीनस कारा जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं. तो बच्चों ये वाला क्लासिफिकेशन जो है ये किसने दिया था, फ्रिश ने 1935 में दिया था. डिवीजन क्लोरोफाइटा क्लास क्लोरोफाइसी ऑर्डर कारेल्स फैमिली कारेसी और जीनस कारा. ये आपको कारा का डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स. अकरेंस ऑफ कारा, कारा का प्राप्ति स्थान. कारा इज रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 188 स्पीशीज आउट ऑफ विच 30 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडिया. कारा की लगभग 188 जातियां हैं जिस जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, जिसमें से करीब 30 जातियां जो हैं इंडिया में पाई जाती हैं. इट इज कॉमनली नोन एज स्टोनवॉर्ट. इसे कॉमनली स्टोनवॉर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन जातियों की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, इसलिए ये परपटीमय हो जाती हैं. इसी लक्षण के कारण इसे हम स्टोनवॉर्ट के नाम से जानते हैं. द प्लांट बॉडी ऑफ कारा इज इनक्रस्टेड विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट स्पेशली ऑन द प्लांट ग्रोइंग इन हैवी वाटर. जो पादप हैवी वाटर में उगते हैं उनकी सतह पर कैल्शियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है जिससे कि इनकी सतह परपटीमय हो जाती है. दस दे प्लांट बिकम स्ट्रेंथेन कॉल्ड स्टोनवॉर्ट. इसलिए इस पादप को हम स्टोनवॉर्ट के नाम से पुकारते हैं. जनरली दे ग्रो इन फ्रेश वाटर ऑफ पॉन्ड्स लेक्स टैंक्स इन सबमर्ज कंडीशन. जनरली ये फ्रेश वाटर में अलवणीय जल में पाए जाते हैं जो कि तालाबों में लेक्स में टैंक्स में सबमर्ज कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी कि निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं. जलकुंडों में शेलो पॉन्ड्स में ये निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं. कुछ जातियां इसकी खारे जल में भी पाई जाती हैं, कुछ जातियां इसके हॉट स्प्रिंग्स में जैसे कि कारा फ्रेजिलिस भी हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाती है. सम स्पीशीज लाइक
कारा ट्रेगिलिस ग्रो इन हॉट स्प्रिंग, कारा ट्रेगिलिस कारा ये हॉट स्प्रिंग में पाई जाती है, वेयर द कारा बाल्टिका ग्रोन इन ब्रैकिश वाटर जो कि कारा बाल्टिका खारे जल में पाई जाती है। भारतवर्ष में जो कारा की 30 जातियाँ पाई जाती हैं उनमें से मेन है कारा जिलेनिका, कारा जिम्नोपीटिस, कारा ब्राउनी तथा कारा ग्रेसिलिस मुख्य हैं। प्लांट बॉडी ऑफ कारा, कारा इज माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर प्रोफ्यूजली ब्रांच थाइलेकोइड प्लांट बॉडी जनरली अटेन है हाइट ऑफ 20-30 सेंटीमीटर रेयरली अबाउट 1 मीटर इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस। कारा का पादप स्थूलदर्शी होता है यानी माइक्रोस्कोपिक होता है वे निमग्न होता है। इसकी जातियों की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, रेयरली कभी कभी 1 मीटर तक होती है। पादप काय जो होता है वो राइजोइड्स और मेन एक्सिस में डिवाइड होता है। बच्चों आपको इसमें प्लांट बॉडी नज़र आ रही है कारा की, इसमें नोड्स इंटरनोड्स प्राइमरी लेटरल शूट्स सेकेंडरी लेटरल्स क्लियर नज़र आ रहे हैं बच्चों। अब हम आते हैं इसके राइजोइड्स पे। द राइजोइड्स आर थ्रेड लाइक वाइट मल्टीसेलुलर यूनिसेरेट एंड ब्रांच्ड। इसके राइजोइड्स जो होते हैं वो सूत्रवत होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, एक पंक्ति के होते हैं तथा शाखी संरचनाएं हैं जो मुख्य अक्ष के आधार अथवा नीचे की पर्वसंधियों से उत्पन्न होते हैं। इट इज एन इलोंगेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर हैविंग ऑब्लिक सेप्टा। ये श्रेणीबद्ध क्रम में शाखित होते हैं। मूलावासों में तिर्यक पटों की उपस्थिति कारा का लाक्षणिक गुण है। ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं इसके, ऑब्लिक सेप्टा मूलावासों में तिर्यक पटों की उपस्थिति कारा का लाक्षणिक गुण है। दे आर डेवलप्ड आइदर फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट बॉडी और फ्रॉम पेरिफेरल सेल्स ऑफ लोअर नोड ऑफ द मेन एक्सिस। पटों पर संलग्न कोशिकाओं के सिरे विपरीत दिशाओं में वृद्धि करते हैं जिसके फलस्वरूप पट पर 4 अथवा अधिक कोशिकाओं की एक ग्रंथिल संरचना बन जाती है जिसे कि हम राइजोइडल प्लेट कहते हैं। मूलावास की शाखाएं इसी पट्टिका से उत्पन्न होती हैं। मूलावासों द्वारा पादप काय अधोस्तर या सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। अब आते हैं हम इसके मुख्य अक्ष पर मेन एक्सिस पे। मेन एक्सिस इट इज इरेक्ट लॉन्ग ब्रांच्ड इपिजियल पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू इंटरनोड एंड नोड्स। मुख्य अक्ष उदर्व इपिजियल भूम्योपरिक लंबा व शाखित होता है जिस पर एकांतर क्रम में पर व परम संधियां विभेदित होते हैं। इंटरनोड जनरली इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल एक्सियल सेल और इंटरनोडल सेल और कॉर्टिकल सेल। पर्व जो होते हैं वो दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं जिसमें एक कोशिका लंबी होती है जिसे कि एक्सियल सेल या अक्षीय कोशिका कहते हैं वे इंटरनोडल सेल भी कहते हैं इसे। इन कोशिकाओं की लंबाई इनके व्यास की तुलना में कई गुना अधिक होती है। पर्व कोशिका में अनेक वल्कुटीय कोशिकाओं से घिरी रहती हैं जिसे कि कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं। अब हम आते हैं
एक्सल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेंट्रल सिलिंड्रिकल सेल्स, ये लंबी सिलिंड्रिकल सेल्स को कंसिस्ट करता है। दूसरी कॉर्टिकल सेल्स, दे आर इलोंगेटेड बट मच स्मॉलर इन डायमीटर देन एक्सल सेल एंड एनशेडेड और कोऑर्डिनेटेड इज द लेयर ऑफ आउटर सरफेस ऑफ एक्सल सेल। पर्व कोशिकाएं अनेक वर्लगुटी कोशिकाओं से घिरी होती हैं। प्रत्येक पर्व का ऊपरी आधा भाग ऊपरी पर्व संधि से उत्पन्न व्युत्पन्न वल्कुटी कोशिकाओं अथवा निचला अर्धभाग नीचे की पर्व संधि से उत्पन्न वल्कुटी कोशिकाओं से ढका होता है, यानी कि कॉर्टिकल सीट से कवर्ड होता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नोड, आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नोड 50% ऑफ कॉर्टिकल सेल ग्रो अपवर्ड एज असेंडिंग फिलामेंट एंड रेस्ट 50% ग्रो डाउनवर्ड एज डिसेंडिंग फिलामेंट, यानी 50% तो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, लोअर हाफ नीचे की तरफ आता है, 50% और 50% ऊपर की तरफ इसको कवर करती हैं। द असेंडिंग फिलामेंट कवर द लोअर हाफ एंड डिसेंडिंग फिलामेंट कवर द अपर हाफ ऑफ द एक्सल सेल। कोर्टिकेशन इज नॉट कॉमन इन ऑल स्पीशीज। ऊपरी पर्व संधि से उत्पन्न व्युत्पन्न कोशिकाएं नीचे की ओर तथा नीचे की पर्व संधि से उत्पन्न व्युत्पन्न पल्कुट कोशिकाएं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। पर्व की तुलना में पर्व संधि अत्यंत छोटी होती है, यह समव्यासी कोशिकाओं के एक समूह से निर्मित होती है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ कॉर्टेक्स द स्पीशीज ऑफ कारा डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, कॉर्टिकेट एंड इकॉर्टिकेट। हाउ Depending on the presence or absence of cortex, the species of Kara are divided into two types, corticate and ecorticate. Cortex ki presence or absence ke base par inko do types mein divide kiya gaya hai, corticate aur ecorticate mein, corticate mein fragilis, hetai एक्सेट्रा स्पीशीज आती हैं, इकोटिकेट में कोरेलिना सिनेटा ये सब स्पीशीज आती हैं। नोड, द नोड कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स सराउंड बाय 6 to 20 पेरिफेरल सेल्स। थ्री टाइप ऑफ अपेंडिजेस आर डेवलप्ड फ्रॉम ईच नोड, थ्री दीज आर ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड स्टिपुलेट्स। पर्व की तुलना में पर्व संधि अत्यंत छोटी होती है, ये समव्यासी कोशिकाओं के एक समूह से निर्मित होती है। पर्व संधि में दो केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं जो कि 6 से लेकर 20 तक परिधि कोशिकाओं से घिरी होती हैं। प्रत्येक पर्व संधि पर 3 प्रकार के उपांग या अपेंडिजेस पाए जाते हैं, सीमित वृद्धि वाली शाखाएँ, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दूसरा ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं एंड अनुपर्णक स्टिपुलेट्स। ब्रांचेस शूट्स ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी ब्रांचेज और लॉन्ग लेटरल्स एंड आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओल्डर नोड्स। दीज ब्रांचेस are also differentiated into nodes and internodes like the main axis. Each node bear branchlets like the main axis.
ये शाखाएं मुख्य अक्ष तथा सीमित वृद्धि की शाखाओं की परसंधियों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें कक्षी शाखाएं अथवा दीर्घ पार्श्व शाखाएं भी कहते हैं। ये शाखाएं पर व परसंधियों में विभाजित होती हैं। इनकी परसंधियों पर प्राथमिक पार्श्वों का चक्र पाया जाता है। इन शाखाओं की वृद्धि मुख्य अक्ष के समान असीमित होती है। ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी लेटरल्स ब्रांचेज ऑफ और लीव्स। अबाउट 6 to 16 ब्रांचलेट्स डेवलप इन वर्स अराउंड द नोड ऑफ मेन एक्सिस और ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू 5 to 15 नोड्स एंड इंटर नोड्स। ईच नोड डेवलप सम यूनिसेलुलर हेयर लाइक सेकेंडरी लेटरल्स। 6 organs are developed on lower nodes of each branchlet. सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, ये मुख्य अक्ष तथा असीमित वृद्धि वाली शाखाओं के परसंधियों पर एक आवृत के रूप में उत्पन्न होती हैं। इन शाखाओं में 5 से 15 तक पर्व परसंधियां बनने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है। इसी कारण इन्हें सीमित वृद्धि वाली शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। ये शाखाएं प्राथमिक पार्श्व पत्तियां अथवा उपशाखा भी कहलाती है, ब्रांचलेट भी कहलाती है। इनके पर्व की लंबाई मुख्य अक्ष के पर्व की लंबाई से अपेक्षाकृत कम होती है। इन शाखाओं की परसंधियों पर एक कोशिकीय तंतुवत द्वितीय पार्श्व उत्पन्न होते हैं, सेकेंड लेटरल्स उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पार्श्व की परसंधियों पर जननांग भी विकसित होते हैं। अब हम आते हैं तीसरा अनुपर्णक स्टिपुलोट्स। दीज आर यूनिसेलुलर आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम लोअर नोट ऑफ ब्रांचलेट्स ब्रांच एग्जाम्पल ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। द नंबर ऑफ स्टिपुलोट एट ईच नोड मे बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचलेट विच इज कॉल्ड यूनिस्टिपुलेट और इफ डबल इट इज कॉल्ड बाई स्टिपुलेट। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ स्टिपुलोट्स स्पीशीज ऑफ कारा आर डिवाइडेड इन टू हेप्लोस्टेफनस और डिप्लोस्टेफनस। सीमित वृद्धि की शाखाओं की आधारीय परसंधि पर एक कोशिकीय उदर्व यूनिसेलर आउटग्रोथ पाए जाते हैं जिन्हें अनुपर्णक या स्टिपुलोट्स कहते हैं। कारा ब्राउनी आदि कुछ जातियों में प्रत्येक परसंधि पर अनुपर्णकों की संख्या उस परसंधि पर उपस्थित सीमित वृद्धि की शाखाओं के बराबर होती है। ये दशा एक अनुपर्णकीय कहलाती है, परंतु कारा की अधिकांश जातियाँ द्वि अनुपर्णकीय होती हैं, अर्थात इनमें प्रत्येक सीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर 2 अनुपर्णक होते हैं। यदि परसंधि पर अनुपर्णक एक चक्र में व्यवस्थित हों तो ये दशा एक वलयक या हेप्लोस्टेफनस कहलाती है, जो कि कारा ब्राउनी में पाया जाता है, तथा 2 चक्रों में व्यवस्थित होने पर यह अनुपर्णक डिप्लोस्टेफनस द्विवलयक कहलाते हैं, जो कि कारा पाशनी में होता है, कारा बाल्टिका में पाया जाता है। यदि पर्व संधि पर 2 चक्रों में व्यवस्थित अनुपर्णक क्या कहलाते हैं, डिप्लोस्टिफनस द्विवलयक कहलाते हैं, जो कि कारा बाल्टिका में पाया जाता है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी हो गया स्टूडेंट्स। जैसे आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी नज़र आ रहा बच्चों, आपको सेकेंड लेटरस न्यूक्यूल्स ग्लोबल्स लगे हुए हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है, राइजोइड्स नीचे नज़र आ रहे हैं, सेकेंडरी नेटलस नोड्स इंटर नोड्स, डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट एसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स इसमें क्लियर नज़र आ रहे हैं बच्चों आपको। ये कारा की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी है। सेल स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों में आपको कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।